गीता जी का और मेरा बहुत पुराना एसोसिएशन था। एक तो हम दोनों फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट से थे, हालांकि वो मुझसे 2 साल सीनियर थी, नॉट एज वाइज, एकेडमिकली। कुछ पिक्चरें हमने साथ में की, बड़ी मेमोरेबल फिल्म्स, जैसे कभी हाँ कभी ना में शी प्लेड माई वाइफ, शी वॉज ऑल्सो इनिशियली विथ मीन सारा भाई वर्सेज सारा भाई एज माई सिस्टर। वेरी लवली वॉर्म पर्सन, हेल्पफुल, गोइंग आउट ऑफ अ वे टू हेल्प पीपल, अ वंडरफुल सोल। It's tragic that she had to suffer so much towards the fag end of her life, which was cut short by certain diseases one can't help. And generally there's a lot of sadness amongst people, and people who all are here are the one who really, ones who really cared for her. And what else? May her soul rest in peace. बहुत ही खूबसूरत इंसान रही हैं रीता जी। उनका जो भीतरी ताकत है, मतलब अभी तक तो वो शूटिंग ही कर रही थी, इनफैक्ट जब हमारे साथ शूट कर रही थी हमारे प्रोडक्शन में, तो डायलिसिस करके आती थी फिर भी वो शूट करती थी हमारे साथ, और बिन एक कभी भी, मतलब एक आध बार कभी लेट हो गया है या 2 o'clock की शिफ्ट हुई है, कभी एक मुँह से कुछ, और किसी को बताती भी नहीं थी कि उन्हें वो डायलिसिस चल रहा है। आई मीन ये नहीं कि ढिंडोरा पीटना कि मैं, बहुत हिम्मत वाली थी, सबकी माँ थी। इंडस्ट्री में जितने लोग आपको मिलेंगे वो सबकी माँ थी। तभी तो डायलिसिस करवाते हैं। किडनी का ही दवाई होता है ना, मेडिसिन होता है ना, वेदर दे हैव टू फ्लश इट आउट इज व्हाट डायलिसिस इज। बस हफ्ते में 2 बार होता था। आत्मा को शांति दें। हाँ, वो तो शांति मिलेगी उनको। शी वाज सच अ प्योर लवली सोल। इतना अच्छा सोल, शायद बहुत बहुत ऑनरेबल सोल थी। क्या कहें, इस ऐसे मौके पर बोलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एक्सेप्ट दैट हम खुशकिस्मत थे कि हम उन्हें कल शाम को हॉस्पिटल में जाके मिले, और सिर्फ हम दोनों ही मिल पाए एक्चुअली, और हमारी फैमिली कुमकुम फैमिली में से कोई भी नहीं जा पाया, कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोग नहीं आ पाए। हालांकि वो कॉन्शियस नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कहने की कि मैं हूँ और परितोष हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं था। खैर, दुख की बात है, बट शी वाज नॉट वेल, अनफॉर्चुनेटली कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी थे, लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, लेकिन आई एम ग्लैड she went the way she went, because it would have been difficult for agar unki health healthcare ke liye bahut difficult ho jata, because otherwise you know she had many complications. Unki shakhsiyat ke bare mein agar puche to kya kuch kehna chahenge? Kaho. Main to ek hi shabd bolunga, bilkul mast maula mahila thi aur utni hi mast actress thi, bas itna hi bolna chahunga. Aap sir kaise yaad karenge? Main yaad karna to bahut sari cheeze hain, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि स्टे हैप्पी माँ।